कोशिश कर रहे हैं, ईवान चले, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात हो तो अवामी तहफ्फुज़ की बात हो, अवामी मुफाद की बात हो। लेकिन मैंने इनको कहा और यही उन्होंने वादा किया कि ईवान के आखिर में उठाएंगे, और मैंने कहा हमारी सारी पार्टी आ जाएगी, हम डिस्कस कर लेंगे। पहले भी अगर कोई नेशनल मसला है, क्यों सीपेक पाकिस्तान का मसला था, हम बैठे नहीं, सीपेक में हमारा बंदा गया नहीं। हम तो फ्लोर पे कह चुके थे कि अगर पाकिस्तान दोस्त ममालिक के लोग आ गए तो हम जाएंगे, हम पाकिस्तान दोस्त है, दुश्मन नहीं। लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, हम उनको कर रहे थे, ये पर्सन स्पेसिफिक कर रहे थे जिसका हमने कहा था हम उसको अपोज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी भी यही है, इस पे आपने जरूर इनकी तवज्जो दिलानी है, हम जवाब के उनके मुंतजर है ये मिलिट्री ऑपरेशन पे। जनाब स्पीकर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक लीडर, हाँ लीडर और अपोजिशन बोल रहे, फिर एक साथ आप रिस्पॉन्ड कर दें। ये हमने कहा सारे डाल, आपने आपको मैंने पूछा कि आप बोले, आपने इधर इस तरह तो जी, आप क्या रूल बताना चाह रहे हैं? इजहार साहब का माइक खोलें, वो रूल पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी बताइए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल 188, रूल 188 आपको दे रहा हूं मैं, आप जिद ना करें, मैं आपको दे रहा हूं माइक, आप दो मिनट तकलीफ रखें, आपको दे रहा हूं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रूल की वायलेशन हो रही है, हाउस की वायलेशन, वी हैव टू हियर हिम, आर वी फॉलोइंग द रूल्स नॉट, लेट हिम स्पीक प्लीज जी, आप बोलिए सर। रूल 188 ये कहता है, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट ऑन द डेज अलॉटेड फॉर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट द असेंबली मे डिस्कस द बजट एज ए होल और एनी क्वेश्चन ऑफ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व देयर इन, बट नो मोशन shall be moved at this stage, nor shall the budget be submitted to vote of the assembly. Sir, shall लगा है यहाँ। और दूसरी अहम तरीन बात स्पीकर साहब, दूसरी अहम तरीन बात, अगर आपने रूल सस्पेंड करके मिनिस्टर इन चार्ज को मोशन मूव करने की इजाजत दी है तो उस मोशन पे भी कोई डिबेट नहीं हो सकती, कोई नहीं खड़ा होकर उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर सकता अगर आपने रूल सस्पेंड करके इजाजत दी है। और मेरी यह समझ में नहीं आता कि यहां कितने लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये कितने लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक असिस्टेंट लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है। नहीं सर नहीं, ये हमारा बजट स्पीच है, हम तैयार करके आए हैं यहां पर, फिर वही बात, ना रूल किसी ने पढ़ना है, ना कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने देखना है, और फिर लग पता जाता ना 47 पॉइंट आ गया और 45। ठीक है, शुक्रिया जी। उमर अय्यूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर सबसे पहली बात यह है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे समेत जितने यहाँ पे साथी मेरे आए हैं, हम लोग भारी अक्सरियत लेके यहाँ पे आए हैं, हम लोग पाकिस्तान की आवाम को फॉर्म 45 के जरिए और 47 के जरिए ओरिजिनल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे प्रेसिडेंस यही रही है, जिस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन उठता है यहाँ पे जनाब स्पीकर उसको प्रेसिडेंस दिया जाता है, क्योंकि मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कंटेस्ट किया, हार जीत दूसरी बात होती है, यहाँ पे हमारे यहाँ 180 मेंबर आते तो वजीर आजम इमरान खान इधर होते, यहाँ पे वजीर आजम होते। तीसरी अहम बात जनाब स्पीकर, जहाँ पे बजट की बात आई है, मैं फिर रिपीट करता हूँ ये बजट जो है इस पे आपका जनाब स्पीकर पेज 7 टेबल 3 पे प्रोविंशियल सरप्लस के ऊपर बात आई है, प्रोविंशियल सरप्लस के ऊपर 1217 अरब रुपए ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं एज अ सरप्लस।
जनाब स्पीकर हमारे सूबे का फाटा के एक्सपेंसेस 144 अरब रुपए हो चुके हैं। गवर्नमेंट दे रही है 66 बिलियन, आपका नेट हाइडल प्रॉफिट 80 बिलियन, आपका टोटल जो सूबे को मिलना है केपी को वो 158 बिलियन मिलना है। ये ना मिला कर चुके हैं उस पे, अब आप दोबारा रिपीट उमर यूसुफ साहब, आप इतने सीनियर जो बजट पार्लियामेंटेरियन हैं, कर रहे हैं, ये झूठ है। 158 बिलियन शुड बी रिलीज। और यहाँ पे ये डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहा है, ये तो है झूठा, ये तो है एंटी फौज, ये है एंटी पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।